सो वेरी पावरफुल वीडियो, शॉर्ट में कामयाबी का सारांश, 5 आवर्स ऑफ बिग सक्सेस इन लाइफ एंड बिजनेस। अगर आप लाइफ में और बिजनेस में बड़ी कामयाबी, बेहतरीन परिणाम, रिजल्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो में अगले 5 से 7 मिनट में आपको एक सरल सा फॉर्मूला दे रहा हूं, दैट इज 5 आर फॉर्मूला। 5 आर इंग्लिश कैपिटल लेटर आर, 5 आर फॉर्मूला। इसमें 5 खास चीजें मैं आपको समराइज करके जल्दी से बता दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये 5 चीजें आप सीख गए, लेकिन ये एक एक चीज बेहतरीन कमाल की है। और मुझे आप जरूर कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताइएगा कि 5ों में से कौन सी चीज है जो आप करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सो वेरी पावरफुल वीडियो, शॉर्ट में कामयाबी का सारांश, 5 आवर्स ऑफ बिग सक्सेस इन लाइफ एंड बिजनेस। पहला आर बहुत सरल है लेकिन बहुत पावरफुल है, रीडिंग। किताबें बेमिसाल काम करती हैं। व्हाई आई प्रेफर बुक्स कंपेयर टू एनी अदर मीडियम इज, किताब लिखने वाला इंसान बहुत समय लगाता है किताब को लिखने में, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, बहुत बार आप खुद टटोलने लगते हैं कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं है। मैं पिछले कई सालों से और कई दशकों से एविड रीडर हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, 1,500 किताबों की मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है और 4 किताबें मैं लिख चुका हूँ जो अभी 8 भाषाओं में उपलब्ध हैं, चारों की चारों बेस्ट सेलर बुक्स हैं। और मैंने राइटर बनकर भी और रीडर बनकर भी ये दोनों तरह की दुनिया को देखा है। बुक्स हैव गॉट अमेजिंग विजडम, राइट। किताबों में कमाल की जानकारी, कमाल की नॉलेज है, तो किताबें जरूर पढ़िए। ये पहला आर है रीडिंग। और अभी तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया, आप चाहें तो ई बुक्स पढ़ सकते हैं, आपको फिजिकल बुक कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप किंडल में ई बुक्स पढ़ सकते हैं। फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे आए हैं जिन्होंने ऑडियो बुक्स लॉन्च कर दिए हैं, अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, यू कैन रीड ऑडियो बुक्स। तो बुक्स के तीनों फॉर्मेट, फिजिकल हार्ड कॉपी ऑफ द बुक, ई बुक, ऑडियो बुक, तीनों में से जो आपको जमता हो आप करिए, बट रीडिंग इज एसेंशियल। आप चाहें तो इसके अंदर इसी पॉइंट में कुछ और वीडियोस भी जोड़ सकते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी जोड़ सकते हैं, बट यू नीड टू कॉन्स्टेंटली गिव न्यू इनपुट टू योर ब्रेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपका जो आज आपके ज्ञान का जो स्तर है, आपकी जो नॉलेज का लेवल है, वो आपको जहां तक पहुंचा सकता था उसने पहुंचा दिया, और ऊपर जाना है तो ज्ञान का लेवल बढ़ाइए, लाइक नॉलेज का लेवल बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी रीडिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर लगना कम होगा, और वैसे वैसे नई नई चीज़ें आप सीख कर नए नए काम करना शुरू करेंगे और बेमिसाल कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट आर इज रीडिंग, सेकेंड आर इज रेपिटिशन, दोहराव। रेपिटिशन इज अमेजिंग। आप अगर किसी चीज को अपना बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं जिंदगी भर वो आपके साथ रहे, देयर इज ओनली वन वे माय फ्रेंड, दैट इज रिपीटेशन। स्कूल टाइम से सिखाया जा रहा है, पढ़ो फिर रिवाइज करो, पढ़ो फिर रिवाइज करो, तो रिवाइज करते रहिए, रिपीट करते रहिए। आपको आज डर लगता है किसी के साथ मीटिंग में जाने के लिए, डू इट सो मेनी टाइम्स कि ये आपका अपना बन जाए। आपको लगता है स्टेज पे जाने में डर, करिए, रिपीट करते रहिए, बार बार जाते चले जाइए, जो आप पढ़ें जो आप सीखें बार बार अपने नोट्स को रेफर करिए। रेपिटिशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। एवरी टाइम आई गो टू माय कोच ही टेल्स मी एंड ही सेंड्स मी बैक विद दिस, वो बोलते हैं दीपक रिपीट करो, बार बार करो, लगातार करो, इस रिपीटिशन। और इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 5 आर जो आपकी जिंदगी और बिजनेस को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला था रीडिंग, दूसरा था रेपिटिशन, थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट इज री इन्वेस्टमेंट। रीइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं, निवेश। रीइन्वेस्टमेंट बोले तो पुनर्निवेश। जो जो आज तक आपने पढ़ा और सीखा वो आज आपको कमा कर दे रहा है। जो जो आप कमाएं उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे और खुद को बेहतर बनाने पे जरूर इन्वेस्ट करें। मैं दिल्ली में रॉबर्ट किसकी साहब से मिला हूँ, बहुत पुरानी बात है, शायद 2014 में आई गॉट अ चांस टू मीट हिम 1-to-1। और मुझे ऐसा लगता है जो भी इंसान आपके फेवरेट हैं, आपके फेवरेट ऑथर, ट्रेनर, स्पीकर, जब आपको मौका मिले, कुछ भी करना पड़े आपको, राइट। मैंने पता नहीं कितने हजार की टिकट या कितने लाख की टिकट खरीदी थी ताकि मैं रॉबर्ट किओसाकी के साथ बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठकर उनसे सीख पाऊँ, और हमें लंच में उनके साथ बैठने का मौका मिला। उन्होंने बोला जितने भी बड़े लोगों को मैंने देखा है, सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, वो अपने लिए कुछ एक कोर एरिया में अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, दूसरा वो जो बिजनेस से कमाते हैं उस बिजनेस को और बेहतरीन बनाने के लिए उसमें री इन्वेस्ट करते रहते हैं,
राइट। आप खुद पे इन्वेस्ट करिए, अपनी खुद की लर्निंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, किताबें, ऑनलाइन कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स, राइट एसोसिएशन, राइट कंपनी, राइट। आई मीन दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करिए, बिजनेस को बेहतर बनाइए, कस्टमर एक्सपीरियंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों को ऊपर उठाते रहिए लगातार। और अगर आप खुद का बिजनेस नहीं करते हैं और आप मान लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग में हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, या कहीं जॉब करते हैं, प्रोफेशनल हैं, देन कीप इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ, यू आर द बिजनेस, राइट। सो इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, दिस इज थर्ड आर। चौथा आर बहुत ज़रूरी है, रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल मतलब मना करना। ज़िंदगी में आपको अपने समय की कदर करनी चाहिए और आपको ये सीखना चाहिए किस चीज़ को हाँ करनी है, किस चीज़ को ना करनी है। अगर आप किसी बेकार की चीज़ को, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को हाँ करेंगे तो फिर ज़रूर आप किसी ऐसी चीज़ से समय काट लेंगे जो ज़िंदगी में आपके लिए ज़रूरी थी। बी वेरी केयरफुल, किसे यस करना है, किसे नो करना है, किसे यस करना है, किसे नो करना। दिस चॉइस इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, लर्न टू से नो ऑफन। एंड पांचवा और लास्ट, रिलैक्सेशन। आप काम करिए, काम से प्यार करिए, काम में लगे रहिए, बट अगर आप 24 घंटे लगातार 365 दिन करेंगे, आफ्टर वन पॉइंट यू विल फील, आई मीन यू आर एग्जॉस्टेड। और अगर आप थके हैं तो आप जोश कहाँ से लाएंगे सामने। योर ब्रेन, योर बॉडी, योर माइंड, यू नो यू नीड अ ब्रेक समटाइम्स। सो कीप सम एक्टिविटीज दैट विल रिलैक्स यू, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, मे बी लव वॉचिंग थोड़ी क्वान्टिटी में, लाइक थोड़े समय के लिए आप चाहें तो वेब सीरीज़ देखिए, कभी कभी मूवीज़ देख लीजिए, फैमिली के साथ समय बिताइए, वॉक करिए, बट आपके पास एक रिलैक्सेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। होता है ना, कई बार हमारा लैपटॉप बंद हो जाता है, हम मोबाइल फ़ोन हमारा कई बार बंद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो खुद को भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी रीस्टार्ट करने के लिए समय दीजिए। तो ये थे पाँच आर जो आपकी लाइफ और बिजनेस को कमाल का बेहतरीन बना सकते हैं। रीडिंग, रेपिटेशन, री इन्वेस्टमेंट, रिफ्यूजल एंड पांचेस, वेरी सिंपल इज रिलैक्सेशन। और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन से इन पांचों में से एक्टिविटीज़ हैं जो आप रोज़ करते हैं, लगातार करते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, इस बात का प्रमाण है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जेन्युइनली कुछ बड़ा, बेहतरीन, शानदार करना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं, मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा साथ आपके साथ है, राइट। आइए मिलकर कमाल करें, इस दुनिया को बेहतरीन बनाएं। एंड आई वांट टू सी यू एट द टॉप, चमकते रहिए।